तकरीबन 2 महीने बीतने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मसले पर हल निकलता दिख रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान के नेताओं की बैठक बुलाई और सर्वसम्मति बन गई तो कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अमित शाह पार्टी के राजस्थान के नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद राजस्थान की बीजेपी में शायद ये पहली बार हो रहा है जब पार्टी को अपना प्रदेशाध्यक्ष घोषित करने में 2 महीने लग गए। आखिरकार आलाकमान को राजस्थान के नेताओं की बैठक दिल्ली बुलानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, अशोक परनामी, ओम प्रकाश माथुर, भूपेंद्र यादव, गुलाब चंद कटारिया, अर्जुन राम मेघवाल, सीआर चौधरी, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, राजपाल सिंह शेखावत, श्रीचंद कृपलानी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मदन लाल सैनी, सतीश पूनिया, राम नारायण डूडी, अभिषेक मटोरी जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। अशोक परनामी ने 16 अप्रैल को इस्तीफा दिया था और आलाकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सुझा दिया था। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। अध्यक्ष पद पर पेच फंसने के भी कई कारण हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अशोक परनामी को अचानक हटा देना। आलाकमान ने हटाने का फैसला अचानक सुना दिया। इसके लिए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से पूछा तक नहीं गया और आलाकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे कर दिया। लेकिन गजेंद्र सिंह के नाम पर राजस्थान बीजेपी नेतृत्व ने हामी नहीं भरी, शेखावत के नाम पर विरोध जता दिया। प्रदेश नेतृत्व ने आलाकमान तक संदेश भिजवाया कि शेखावत को बनाने से जाट वोट विरोध में लामबंद हो जाएंगे। लेकिन आलाकमान ने पलट संदेश भिजवाया कि भैरव सिंह शेखावत ने लंबे समय तक राजस्थान की बीजेपी की कमान संभाली थी। अभी तक आलाकमान की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे है। भले ही दिल्ली और जयपुर के बीच प्रदेशाध्यक्ष मुद्दे पर कम्युनिकेशन गैप के हालात पनप गए, पर दिल्ली और जयपुर में समन्वय के रास्ते निकालने की बहुत कोशिश हुई। अविनाश राय खन्ना और वी सतीश के जयपुर दौरे हुए। खन्ना और सतीश ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर हो रहे विरोध की हकीकत की जांच की, जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली, सीएम राजे समेत स्टेट लीडर से एक एक करके राय ली। कोर ग्रुप बैठक में इस मुद्दे पर आपसी बहस भी देखने को मिली। खन्ना और वी सतीश के प्रयासों के नतीजे नहीं निकले और दोनों ने अपनी रिपोर्ट संगठन महामंत्री रामलाल को दे दी। इस बीच ओम माथुर ने दिल्ली में अपनी ओर से विवाद पटाक्षेप में पहल की। अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन लाल सैनी समेत कई नेताओं से मिले। पहले तो संघ विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कहने के बाद राजस्थान संघ सक्रिय हुआ। संघ ने अपनी राय संबंधित लोगों को बता दी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने सेतु का काम किया। दिल्ली से बैठक की जानकारी आने के बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष का संकट सुलझने के आसार बढ़ गए हैं। 13, 14 और 15 जून कभी भी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को बोलने का काफी मौका मिल गया। अब सत्ता पक्ष मौका नहीं देना चाह रहा। जुलाई में अमित शाह राजस्थान आ सकते हैं। उससे पहले केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अध्यक्ष पद का विवाद सुलझे। ऐश्वर्या प्रधान के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।